इस तीर्थ स्थान की प्रसिद्धि का वास्तविक श्रेय ब्रह्मलीन संत श्री केशव दास जी त्यागी को जाता है। यह तीर्थ स्थल अपनी भंडारा प्रथा की वजह से अर्कुंभ और सिंहस्थ में काफी प्रसिद्ध है। इस समय में उनके शिष्य महंत बद्री दास जी इस तीर्थ स्थान का संरक्षण कर रहे हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लगभग 600 साल पहले वैष्णव संप्रदाय के वंगडी नामक एक महात्मा यहाँ निवास करते थे, जिनको लाल बाबा के नाम से जाना जाता था। लाल बाबा रोजाना धाराजी के नर्मदा तट पर नहाने के लिए जाते थे और सूर्य उदय के समय जटाशंकर लौटकर भगवान का अभिषेक किया करते थे। उनके कमजोर होने पर नर्मदा माता ने प्रकट होकर भगवान के अभिषेक के साथ साथ विभिन्न कार्यों के लिए हमेशा बहने वाली 5 जल धाराओं का वरदान जटाशंकर तीर्थ के लिए दिया था। दौड़ परंतु समय के साथ साथ कलयुग के प्रभाव से 4 जल धाराएं लुप्त हो चुकी है और भगवान का अखंड अभिषेक करने वाली जल धारा अभी भी प्रवाहित होती रहती है।